यह राष्ट्रीय अधिवेशन की जो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन महाकुंभ होने जा रहा है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने रखी। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, दूसरा चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस में पार्टी छोड़ने की होड़ नेताओं कार्यकर्ताओं में मची हुई है। इसी कड़ी में एमपी में कुछ दिग्गज कांग्रेसी नेता 300 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने की मची होड़ के लिए पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी में वंशवाद और अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया है। मौसम इस वक्त सर्द है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत का मिजाज गर्म है और उधर कांग्रेस में पतझड़ है। 24 के महासंग्राम में कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मची है कि दल बदल की लाइन लग गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेगा ज्वाइनिंग अभियान ने तो मानो चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हराने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। एमपी में रोजाना कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई बालाघाट से, जहां दिग्गज नेता अनुराग चतुर्मोहता, अजय मिश्रा और कैलाश जैन ने हाथ का साथ छोड़ा और कमल को थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने से पहले बाकायदा शक्ति प्रदर्शन किया गया। 300 कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी रैली निकालकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया गया। चार छह परिवार हैं, वो चार छह परिवार में सिमट कर रह गई है कांग्रेस। और हम काम करने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि सनातन प्रेमी है, श्री राम के पुजारी है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, भाई आपको नहीं समझ में आ रहा, आप राम मंदिर मत जाओ, लेकिन आप पूरे देश के पूरे पार्टी के लोगों को ये आदेशित नहीं कर सकते कि आपको राम जी की पूजा करना है नहीं करना है। कांग्रेस में मची भागम भाग पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज जमकर तंज किया, कांग्रेस के वंशवाद पर प्रहार किया और परिवारवाद को कांग्रेस में मची कलह का जिम्मेदार बताया। परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। कांग्रेस पर प्रहार करने में प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी विरोध को कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा बताया, साथ ही भविष्य के रोड मैप में कांग्रेस को शून्य करार दिया। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की जंग में कांग्रेस के सामने एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, यानी एक तरफ पीएम मोदी 400 पार सीट जीतने का लक्ष्य लेकर सामने खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही उसके दुश्मन बनकर बीजेपी को नया दोस्त बनाकर मुश्किल बढ़ा रहे हैं। एक तीसरी मुसीबत भी है और वो है बड़े बड़े सपनों के साथ बने इंडी गठबंधन के सहयोगियों का लगातार साथ छोड़ते जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।